राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन पर। आज जो वीडियो रहने वाली है, आज जो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का, जो आपके आगामी एग्जाम महिला पर्यवेक्षक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 27 अगस्त को महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम होने वाला है और आपके पास बहुत ही कम समय है, मात्र 6 से 7 दिन। तो एक बार बिल्कुल रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक में करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लेटेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, एक बार रिवाइज कीजिएगा। चलिए, और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा और आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे क्या मिला है। यूट्यूब की तरफ से गूगल एडसेंस का पिन मिल चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा करके बताइएगा। मुझे गूगल एडसेंस का पिन मिल चुका है, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसके बाद हम डेली ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो पर जल्दी से लाइक करके जाइएगा। और जो लोग करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का डेली क्लास कराया जा रहा है। अगर जो बच्चे हॉस्टल वाले की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद हम ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करेंगे छात्रावास अधीक्षक का। तो महिला पर्यवेक्षक की क्लास अभी हम कंप्लीट करेंगे, 27 अगस्त तक उसका एग्जाम है ना। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा महिला पर्यवेक्षक का। अगर किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर और भी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाएगा। यूट्यूब पर तो अपलोड किया ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की, ज़्यादा समय न गंवाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। छत्तीसगढ़ लेटेस्ट करंट अफेयर 2023 की बात करें, टोटल 30 MCQ करने वाले हैं, जिसमें आपके महिला पर्यवेक्षक या आगामी एग्जाम जैसे व्यापम और PSC के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। 2023 के न्यूनतम करंट अफेयर देखेंगे, टोटल 30 MCQ करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कल्पना किसने की थी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम कल्पना किसने की थी, तो ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा है डॉक्टर खूबचंद बघेल, तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ए होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए जल्दी से इसका कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ है। देखिए, महिला पर्यवेक्षक अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर की क्लास आपकी चल रही है, टोटल 30 MCQ रहने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट तक देख के जाना, आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया है। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ। 28 जनवरी 1956, 26 जनवरी 1956, 25 जनवरी 1956, या 27 जनवरी 1956। तो इसका आंसर आपका ए होगा, 28 जनवरी 1956। इसका बताइएगा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बना है। तो 26वां, 27वां, 28वां या 29वां, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से पृथक होकर छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बना है, कौन सा क्रम का राज्य बना है। तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल 26वां। कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ जो आपका स्थान है ना, 26वां राज्य बना है। छत्तीसगढ़ की क्लास हम पहले कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, उसके बाद हम करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। तो क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान है, जो क्षेत्रफल है हमारा, तो छत्तीसगढ़ देश का कौन सा स्थान है, 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। तो इसका आंसर होगा आपका 10वां। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है कमेंट करके बताएं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, 1,35,292,
135,492 या 135,693। तो इसका आंसर आपका ए होगा, 135,192 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा। अगर एग्ज़ाम में 192 की जगह ना लेकर अगर 194 दे दिया जाता है लास्ट में, फिर भी आप कमेंट 194 लगाइएगा। इसका बताइए, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। आंसर ए होगा, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में परित्राणाय साधु नाम किसका आदर्श वाक्य है, वन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग। आंसर डी होगा, पुलिस विभाग। चलिए इनको बताइए किसका क्या आएगा आंसर। साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, कमेंट करना स्टार्ट कीजिए सभी लोग जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। 27 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका, आज 20 अगस्त है, मात्र आपके पास 7 दिन बचा हुआ है, अंतिम शेष दिन। तो अंतिम शेष दिन तैयारी कर लीजिएगा महिला पर्यवेक्षक का, जिसमें छत्तीसगढ़ प्लस करंट अफेयर की क्लास लेकर आया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट। साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर या दुर्ग क्षेत्र। इसका आंसर आपका होगा ए, साल वनों का दीप किसे कहा जाता है, बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। चलिए बताइएगा जल्दी से, सभी एग्जाम में पूछा गया है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कौन से प्रदेश यानी कि कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से, कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, कमेंट करके बताएं। सरगुजा, रायगढ़, जसपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर या कोरिया। तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल डी, जो कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के 3 जिले से होकर गुजरता है, कौन कौन, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। बस ये याद रखना, BSK, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, राजिम, सिरपुर, खरौ, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। आंसर ए आ रहा है, राजिम, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कौन सा है जो नदी को सोने के कण के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा, ये भी आपका प्यूनवान यानी कि चपरासी भर्ती के एग्जाम में पूछा गया मंत्रालय का। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन सा है जो सोने के कण पाए जाते हैं, महानदी, इंद्रावती नदी, दूध नदी या ईब नदी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ईब नदी, आंसर डी। खनिज उपलब्धता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का राज्य कौन सा स्थान है, चलिए बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर पूछा गया दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, खनिज उपलब्धता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कुल तीसरा, तीसरा स्थान है, याद रख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का राज्य में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर सामाजिक, शिक्षा, सांस्कृतिक या खेल के लिए, कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सभी लोग आंसर आना चाहिए, क्या कर रहे हैं जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, आंसर डी होगा, खेल क्षेत्र के लिए। कौन कौन मानते हैं कि यहाँ पर व्यापम पीएससी की तैयारी करा जा रही है, आप लोग कर रहे हैं अच्छे से। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ में एलेक्जेट्राइट का भंडार कौन से जिले में मिलता है, गरियाबंद, जसपुर, बस्तर या राजनांदगांव। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ में एलेक्जेट्राइट का भंडार आपका बिल्कुल सही जवाब है, गरियाबंद जिले में। चलिए इसका बताइएगा, छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना सेल समूह में विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत है, जो ये आपका लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो छत्तीसगढ़ के कितने भाग प्रतिशत गोंडवाना सेल समूह का है, 17,
20, 28 से 27, इसका आंसर शायद 17% आना चाहिए। गुड़वाना जो सेल समूह ना एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल किस जिले में स्थित है? अंबिकापुर, बिलासपुर, जसपुर या रायगढ़? एकमात्र जूट मिल कहाँ है बताइए? अंबिकापुर रायगढ़ में है भाई, रायगढ़ में। आंसर डी होगा, अंबिकापुर नहीं होगा। चलिए बताइए इसका, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कॉमन सी बात है, जनरल नॉलेज है। हाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए ना, फटाफट कमेंट कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, आंसर ए। ये देखिए एग्जाम में पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है जल्दी से बताइएगा, महाकौशल, छत्तीसगढ़ या हरिभूमि? बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है 2023 का। हाँ जल्दी बताइएगा, मैं भी इसका एग्जाम दिलाया हूँ लेबर इंस्पेक्टर का, जिसमें मैं क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं लिया था, ठीक है? जबकि इसका आंसर कौन सा होगा? महाकौशल होगा। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल। क्या है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र? महाकौशल। छत्तीसगढ़ के कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 36,788, 36,888, 36,388 या 36,955? क्या आएगा बिल्कुल बताइएगा। हाँ इसका आंसर आपका ए होगा, महाकौशल है, इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर ए। इसका क्या आएगा, ए बी सी डी? बिल्कुल सही जवाब है, इसका आंसर आपका डी होगा, 36,388, 36,388 आंसर डी। इसका बताइएगा, ये भी एग्जाम लेवल इंस्पेक्टर में पूछा गया था, शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ में चौक में फांसी दी गई थी। शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी दी गई थी? 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेवल इंस्पेक्टर में पूछा गया है। शहीद वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी कब दी गई थी? 10 दिसंबर 1857। 9 दिसंबर नहीं होगा, बिल्कुल गलत है, 10 दिसंबर आएगा। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है जल्दी बताइए? छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, हनुमान सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल या वामन राव लाखे? छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा, आंसर ए। छत्तीसगढ़ ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? कोरबा, दुर्ग, बिलासपुर या धमतरी? ये भी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? कोरबा। छत्तीसगढ़ का कांसी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कांसी किसे कहा जाता है? लाजिम, खराउत, भोरमदेव, मैनपाट? सभी लोगों का आंसर इसमें आना चाहिए, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें सभी के सभी लोगों का। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? खराउत को कहा जाता है। चलिए इसका बताइएगा क्या आएगा। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य कलचुरियों की प्रथम राजधानी, कलचुरी की प्रथम राजधानी पाली, तुम्हार, रतनपुर या सिरपुर? अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से 1 से 2 नंबर अवश्य पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी क्या है? अरे बेवकूफ, तुम्मार है, तुम्मार, आंसर बी। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी? इतना सरल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर लाया हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी? 2000। कब 2000? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी।
सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? सीता नदी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से प्रदेश में है, कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग को लिए प्रश्न है, आप कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन बताऊं, पहला तमोर पिंगला, दूसरा है आपका बादल खोल, तीसरा है आपका सीता नदी, चौथा है आपका जसपुर। क्या आएगा? वारन वपारा। इसका आंसर तमोर पिंगला होगा, सूरजपुर 608 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए अभ्यारण्य में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, बादल खोल अभ्यारण्य 105 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा अभ्यारण है। सबसे बड़ा अभ्यारण पूछा जाए तो भोरमदेव कहाँ है, कवर्धा में, शक्कर कारखाना, एकमात्र शक्कर कारखाना। अभी कितने शक्कर कारखाना है, 5। राउत नाचक किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? 2023 के लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया था कि राउत नाचक किस प्रदेश का आदिवासी समुदाय है, छत्तीसगढ़, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जबकि लेबर इंस्पेक्टर में इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया है। क्या आएगा? राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है, राउत नाचा? अरे छत्तीसगढ़ भाई, राउत नाचा आप सभी को मालूम ही होगा। कब नाचते हैं राउत नाचा, कब नाचते हैं आप लोग कमेंट करके बताओ। लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है क्वेश्चन, हाँ तो कैसे नहीं पूछा जाएगा, सभी में पूछता है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है, कोसल, दक्षिण कोसल, उत्तर कोसल या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम आंसर भी दक्षिण कोसल, कमेंट करें। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, सिरपुर में भाई, आंसर बी। चलिए देखते हैं तीसवा प्रश्न क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम क्या रखा गया है, मिनी माता, ये भी लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिला होगा लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके बताएं, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, तीरथगढ़, अमृतधारा, चित्रकूट या मंडवा? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सभी के सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल हम लेटेस्ट करंट अफेयर के क्लास लेकर आ रहे हैं और दो क्लास करेंगे जिसमें आपका महिला पर्यवेक्षक से क्लास लेकर आएंगे। पहला क्लास आपका करंट अफेयर, दूसरा क्लास आपका महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजनाएँ से। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं महिला पर्यवेक्षक की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल हमारे चैनल पर पार्ट 1 में आपका डालेंगे करेंट अफेयर की क्लास, लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण। पार्ट 2 आपका रहने वाला है महिला एवं बाल विकास की विभिन्न योजना से पूछे गए प्रश्न। 2 टॉपिक कर लीजिएगा, आपका 15 से 20 नंबर कवर हो जाएगा। कुछ दिन बचा है जिसमें छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की क्लास लाएंगे, वहाँ से आपका 10 से 12 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 में लाएंगे, इंतज़ार करते रहिएगा।